हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 की, जो एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी होने वाला है 17 जनवरी 2023 को। तो उसी का जो एक टॉपिक है जीएसजीके, जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आपके सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वही टॉपिक निर्धारित करता है कि आप एसएससी में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि वो 25 नंबर लाना एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो 25 में 25 लाना, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस में जाना है, एसएससी में लाना बहुत ही इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप 20, 21, 22 ऐसे नंबर ज़रूर स्कोर कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिसके आप उनको अच्छे से कवर कर लेंगे ना, मैं आपको गारंटी देखता हूं आप 17-18 के लेवल पे ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और मैंने भी 2019, 2020, 2021 में 3 बार एसएससी एमटीएस का टीयर 1 क्वालिफाइड किया है। ठीक है, और 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ और 2021 में मेरे जो मार्क्स थे 94.53 मार्क्स थे, वे एक बहुत अच्छा स्कोर था और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है एसजीके की वजह से। तो आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप उनको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। आप गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत ही संतुष्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है पर्वत श्रृंखलाएँ, आपको याद रखनी है जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इंडिया की, हर एक स्टेट की, वो आपको सब कवर करनी है। दूसरा है बीमारी और लक्षण, आपको बीमारियों में पता करना है कि कौन कौन सी, याद करना है कि जो प्रोटोजोआ होता है उससे कौन सी बीमारी होती है, जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, और जो इंपॉर्टेंट बीमारियाँ हैं उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा संविधान के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 368, 395 तक जितने भी आर्टिकल हैं, आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आपको कवर करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा संविधान संशोधन, जो अभी 1 से लेकर के 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, वो आपको कवर करना है। पांचवा है प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, यानी कि नदियों और रिवर उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को भी 100% कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लोकगीत एवं लोक नृत्य, ये टॉपिक शायद ही एसएससी के तैयारी करने वाला एस्पिरेंट होगा जिसको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता हो इसको, लेकिन इससे भी इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि जितना भी प्रीवियस ईयर में एसएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ वगैरह, दिल्ली पुलिस, तो आप में जितने भी लोक नृत्य के क्वेश्चन या लोकगीत के पूछे गए, आप उनको एक जगह कंपाइल करना है, इसके बाद आपको उनको लर्न करना है। इसके अलावा जितने भी त्यौहार और फेस्टिवल जो पूछे गए एसएससी में, वो आपको कवर करने हैं। इसके अलावा जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में है, ठीक है, और इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं कौन कौन से हैं वो, और समाज सुधार के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए हिस्ट्री में, ठीक है, और उनकी डेट भी याद को याद रखनी है, प्लस में चलाने वाले का नाम भी याद रखना है, इतना कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा और बात करें करंट अफेयर में से, तो करंट में आप देखो करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ही लार्ज है, लेकिन इतना तो आप कवर ही कर सकते हैं कि करंट की जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, वो आपको कवर करने हैं अच्छे से। ठीक है, और जितने भी खिलाड़ी जितना भी मतलब जो खेल रहे इम्पोर्टेंट पूरे साल में, और प्लस में जो खिलाड़ियों के नाम जो ज़्यादा वायरल रहे, चर्चित रहे, उनके आपको याद रखना है कि वो कौन से खेल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास रहे उनको आपको कवर करना है, और इसके अलावा केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, ये सारे केमिकल फार्मूला आपको याद करने हैं, और इसके अलावा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स के जितना भी बेसिक है आपको वो कवर करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए। आप इन 100% आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप 100% स्कोर करेंगे अच्छा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बात थी, बाकी मैं आपको ये सारे टॉपिक एक एक करके कवर भी कराऊँगा, तो आप परेशान मत होइए। फिर भी आप लोग अपने देखिए, मैं इनके MCQ करा सकता हूँ, पर आप क्या करिए, इनकी जो थ्योरी है आप स्वयं पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक नई गाइडलाइंस जरूर मिली होगी जो लोग 2023 में अपनी जॉब फाइनल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।